साढ़े विभाग के जो कच्चे मुलाजिम उन्होंने बहुत मारू कंडीशन लाई इन्होंने क्योंकि रनिंग स्टाफ है साडा ज़्यादातर अक्सर ही कई बार कोई सवारी टिकट नहीं रही रह जाती है तो उत्थे कनैक्टर ड्राइवर की रिपोर्ट करके तो उन्होंने नौकरी तो कढ़िया जाता पर वो दो महीने बीतन के बावजूद जी मीटिंग फिक्स नहीं हो सकी जिस करके सानू मजबूरन 15 अगस्त से प्रोग्राम रखना पाया जिद लुधियाने के प्रशासन ने साडी मीटिंग फिक्स करवाई सी। बिल्कुल संघर्ष तो ही कुछ निकलता पिछले समय जी असी संघर्ष किए तो तनखावों के वाधे ले आते हुण भी सानू उम्मीद सी भी सरकार साडी गलबात सुनूगी असी संघर्ष करके उन्होंने कोल जावांगे क्योंकि भी आम आदमी पार्टी भी संघर्षों के निकल के आई आ। PRTC के किलोमीटर बसा लेके आ रहे हैं 219 का टेंडर ये एक तो जी किलोमीटर बस आ बाद प्राइवेट हो जूगी जो ये किलोमीटर बस पैंदी तो सिर्फ साडा कनैक्टर जाना सरकार का वर्कशॉप भी प्राइवेट हो जानी है ड्राइवर भी प्राइवेट हो जाना जी। अज सरकार दे नाल पनबस के PRTC के मुलाजमान की अपनी मंगां नूं लैके बैठक हुई है साढ़े नाल पनबस PRTC यूनियन के सूबा सकत्तर हैगे ने पूरी गलबात कर लेने भाई जी किहड़ियां मंगां सीगियां ते किन्ने क सहमति बनी है। बिल्कुल असीं पिछले लंबे समय तो संघर्ष करते आ रहे हैं तो सरकार नूं अपना मंग पत्र भेजते आ रहे हैं पिछले दिन ही सरकार ने साडी 14 अगस्त नूं जिहड़ी मुख्यमंत्री पंजाब नाल मीटिंग फिक्स करवाई सी अज दी डेट दी पर अचानक मुख्यमंत्री साहब किसी रझेवियां कारण मीटिंग दे विच नहीं आ सके तो उन्होंने चीमा साहब की जिहड़ी ड्यूटी लाई सी वित्त मंत्री है साडे उन्होंने बड़े वधिया माहौल दे विच साडे जिहड़े अधिकारियों नाल पैनल मीटिंग की आ जिहदे विच साडियां मंगां सी उन्हां ते सारयां ते बड़े वधिया तरीके नाल उन्होंने डिस्कस की आ ते सारियां मंगां पूरियां करन दा भरोसा दित्ता सो सानूं उम्मीद आ कि जिहड़ियां मंगां ते गलबात होई आ उह साडियां जल्दी पूरियां सब तो पहला साड़ी मंग सी भी जिहड़े साडे कच्चे मुलाजम लगभग 15-15 सालों तो विभाग के काम करते आ रहे हैं उन्होंने सर्विस रूलों के नाल विभागों के रेगूलर किया जाए उस तो बाद साडे जिहड़े कंडीशनां ला के कढ़े मुलाजम ने उन्होंने ड्यूटियां ते बहाल किया जाए और जिहड़ियां किलोमीटर बसां राही प्राइवेट बसां विभाग के पै रही उन्होंने रोक के विभाग दीआं बसां पाईआं जाण सो इहो जिहीआं मंगां सी कुछ साडे मुलाजम ने जिन्हां नूं दो तरह की तनखाह दी जाती है जां पिछले समय जिहड़ा तनखाह वाधा होया सीगा उन्होंने लागू नहीं किया जिवें साडीआं कुछ कैटागरियां ने डाटा एंट्री ऑपरेटर एडवांस बुकर ते जिहड़े नवें ज्वाइन किए आ साथी उन्होंने भरोसा दिता कि इहदी फाइल मंगा रहे हैं तो जल्दी इन्हां ते भी जिहड़ी बराबर तनखाह लागू नौकरी तो बाई जी हुण तक किन्ने कड्ढे जा चुके हैं ते किन्ने क तुसीं कह रहे हो बहाल किए जाण साडे विभाग दे विच जिहड़े कच्चे मुलाजम उन्होंने बहुत मारू कंडीशन लाई इन्होंने क्योंकि रनिंग स्टाफ है साडा ज़्यादातर 17-18 कैटागरियां फ्री सफर सहूलत लेंदियां अक्सर ही कई बार कोई सवारी टिकट नहीं रही रह जाती है तो उत्थे कनैक्टर ड्राइवर की रिपोर्ट करके तो उन्होंने नौकरी तो कढ़िया जाता सो साडी मंग सी भी किसी नूं भी विभाग चों नौकरी च कढ़िया ना जाए क्योंकि उहदा परिवार उस विभाग ना जुड़िया हुंदा सो उन्हों जुर्माना करके तो दोबारा नौकरी तो लिया जाए तो जां कोई इहो जी कंडीशन लाई जाए भी उन्होंने नौकरी तो ना कढ़िया जाए उहदी एग्रीमेंट जिहड़ी हुंदी उह बंद करके तो उन्हों विभाग दे विच नौकरी ते रख्या जाए दोबारा। ट्रांसपोर्ट मंत्री दे नाल जिहड़ी पिछली तुहाडी मुलाकात रही है बैठक रही है उहदे विच की कमियां रहियां सी कि दोबारे होई है जां वैसे तुसीं सरकार दे नाल वित्त मंत्री दे नाल तुहाडी मीटिंग ट्रांसपोर्ट मंत्री जी नाल असीं जिहड़ी 8-9-10 जून की हड़ताल रखी सी उस तों एक दिन पहलां 7 जून नूं मीटिंग होई सी जिहदे च उन्हां सारियां मंगां ते डिस्कस कीता सी पर उन्होंने कहा सी तुहाडियां मंगां जिहड़ियां इह सरकार दे लेवल दीआं तो एक हफ्ते के मुख्यमंत्री पंजाब नाल मीटिंग करवाओगे पर वो दो महीने बीतन के बावजूद जी मीटिंग फिक्स नहीं हो सकी जिस करके सानू मजबूरन 15 अगस्त से प्रोग्राम रखना पाया जिद लुधियाने के प्रशासन ने साडी मीटिंग फिक्स करवाई सी ते जिहदे च अज वित्त मंत्री साहब बैठे से जिहड़ियां काफ़ी गल्लां उन्होंने साडियां मुख्यमंत्री लेवल से जिहड़ियां सुनियां ते हल करन दा भरोसा दित्ता जिहड़े तुसीं हड़तालां कीतीआं जिहड़े प्रदर्शन लाए ने वो जिहड़े किते ना किते सरकार ते भारू रहे ने जिस तों बाद अज मीटिंग रखी गई। बिल्कुल संघर्ष तो ही कुछ निकलता पिछले समय जी असी संघर्ष किए तो तनखावों के वाधे ले आते हुण भी सानू उम्मीद सी भी सरकार साडी गलबात सुनूगी असी संघर्ष करके उन्होंने कोल जावांगे क्योंकि भी आम आदमी पार्टी भी संघर्षों के निकल के आई आ सो असी आने वाले समय च उम्मीद करते हैं भी साडियां जिहड़ियां मंगां ते ध्यान देणगे ते साडियां मंगां पूरियां भाई जिहड़ी हुण किलोमीटर तहत जिहड़ी स्कीम तहत कह रहे ने इहदे नाल की नुकसान होऊगा ते किहड़ियां बसां इहदे विच पाउणगे। ये साडा विभाग सरकारी है ये PRTC के किलोमीटर बसा लेके आ रहे हैं 219 का टेंडर ये एक तो जी किलोमीटर बस आ बाद प्राइवेट हो जूगी जी सरकार की बस विभाग च पैंदी लगभग 15 साल सर्विस देंदी आ 5-7 साल लौंग रूट ते उस तो बाद लोकल रूट ते चल के विभाग नूं मुनाफा देंदी आ जी प्राइवेट किलोमीटर बस आ उन्हें 70-80 लाख रुपया विभाग का लै जाना तो उल्टा 5 सालों बाद फिर प्राइवेट हो जानी मालक की हो जानी 5 सालों का 70-80 लाख लै जाना बिल्कुल तो साड़ी जी बस लगभग 25 लाख की कीमत की 30 लाख की पैंती है जी सू 5 साल बेनीफिट भी देंदी है 10-15 साल विभाग के चलती है तो साडे विभाग के रहूगी नाल ही वड्डी गल आ कि विभाग का निजीकरण ही होगा तो आने वाले समय से भी नौजवानों रुजगार मिलेगा जेकर एक बस पैंती है तो लगभग 6-7 मुलाजमान रुजगार मिलता।
रुजगार के साधन पैदा किए जा सकते इतने अज की आबादी के हिसाब से 10,000 बसा की लोड़ है जो 10,000 बसा पैदा तो 70-80,000 नौकरियां इस कल विभाग च मिल सकती है सो उन्होंने गलबात सुनी है साड़ी सो उम्मीद है सानू भी साडे मसले हल करन जे ना फिर भी ना होए फिर बिल्कुल असीं ही मीटिंग करांगे हुण अपनी जथेबंदी दी ते उन्हां नाल सारी गलबात सांझी करांगे जो साडी जथेबंदी दा फैसला होगा उस तो बाद अगला एक्शन जो भी तैयार करांगे धन्नवाद जी गल करदे तां सन पनबस पीआरटीसी यूनियन दे सूबा सकत्तर तां अज मीटिंग होई सी सरकार दे नाल इन्हां मैंबरां दी यूनियन दे मैंबरां दी अपनी वख-वख मंगां नूं लै के सरकार दे नाल दी मीटिंग होई सी तां कह रहे ने इक भरोसा जरूर दित्ता गया सरकार तो कि जिहड़ियां तुहाडियां मंगां होणगियां जायज़ मंग जरूर पूरियां कीतियां जाणगियां ते इन्हां दे वी कहणा जेकर फिर भी सरकार साडियां मंगां नहीं पूरियां करदी तां असीं संघर्ष जिहड़ा जरूर तिखा करांगे कैमरामैन सुनील दे नाल कमलदीप कौर चंडीगढ़। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हरियाणा के समूह कांग्रेस परिवार और हल्का बड़ौदा से विधायक इंदु राज मेवात की तरफ से प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के इस पावन अवसर पर सभी देश और हरियाणा वासी अपने अपने घरों पर फहराएं तिरंगा।